अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द लाइव ट्यूटोरियल। चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हम फर्स्ट डे क्लास चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रहा है, साइन 60 डिग्री का 30 डिग्री माइनस का आधार 60 डिग्री साइन आर 30 डिग्री इक्वल किसके है, साइन आफ 30 डिग्री की इक्वल किसके करने हैं हम लोगों ने, साइन आफ 30 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। यहाँ पे हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन आफ 60 डिग्री कॉस आफ 30 डिग्री माइनस कॉस आफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। हमारे पास एक फार्मूला होता है, कॉस फार्मूला है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल किसके है, साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब यहाँ पे देखिए, अगर साइन अल्फा की वैल्यू क्या बनी 60 डिग्री, कॉस बीटा की वैल्यू 30 डिग्री माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू 60 और साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी 30। यानी कि अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री। फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर सकते हैं, सारी की सारी राइट हैंड साइड लिखी हुई है। साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू 60 माइनस बीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 60 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दे क्या आ गया, साइन ऑफ 30 डिग्री हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। सेकेंड पार्ट है इसका, अमाउंट क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है हम लोगों ने, राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। यहां पे डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, पाई की वैल्यू 180 प्लेस कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 180 बाय 6 होल रेज पर 2, स्क्वायर ऑफ साइन 80 बाय 6 प्लस स्क्वायर ऑफ साइन 180 बाय 3 प्लस स्क्वायर ऑफ टेन 180 बाय 4 होगा। 180 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ साइन 30 प्लस स्क्वायर ऑफ साइन 60 प्लस स्क्वायर ऑफ टेन 45 डिग्री, ठीक हो गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस आगे साइन 60। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 और टेन 45 की वैल्यू 1। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया, 1 प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा 4, 8/4 फोर वन ऑफ 4 फोर 2 ऑफ 8 क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड। ओके, थर्ड पार्ट है 2 साइन 45 प्लस 1/2 कोसेकेंड 45 डिग्री इक्वल किसके है, 2/3 स्क्वायर रूट 2। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंड 45 डिग्री। कोसेकेंड किसका है, रेसिप्रोकल है साइन का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन 2 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 1/2
साइन ऑफ 45 डिग्री। टू साइन 45 किसके इक्वल होता है, साइन 45 की वैल्यू है 1 बाय स्केयर रूट 2 प्लस 1 बाय 2 बाय क्या आ गया यहाँ पे स्केयर रूट 2 हो। ओके आगे देखिए क्या बन जाएगा, 2 बाय स्केयर रूट 2 प्लस जैसे क्या करेंगे हम लोग ऐसे प्रोकर ले लेंगे स्केयर रूट 2 बाय 2 आ गया। इसके एलसीएम ले, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2 स्केयर रूट 2 कैंसिल होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बाय 2, 2 से क्या आंसर स्केयर रूट 2 को स्केयर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा स्केयर ऑफ स्केयर रूट 2, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 4 प्लस 2 बाय 2 स्केयर रूट 2, 4 में 2 ऐड करें क्या आ जाएगा 6, 6 बाय 2 स्केयर रूट 2, 2 1 ऑफ 2 2 3 ऑफ 6 क्या आ गया 3 बाय स्केयर रूट 2 क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। आगे इसका फोर पार्ट है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इक्वल किसके है 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 2। पाई की वैल्यू क्या होगी, एंगल में 180 वैल्यू प्लस कर दे स्केयर ऑफ साइन 180 बाय 6 रेशियो स्केयर ऑफ साइन 180 बाय 4 रेशियो स्केयर ऑफ साइन 180 बाय 3 रेशियो स्केयर ऑफ साइन 180 बाय 2 होल। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आगे जाएगा हमारे पास स्केयर ऑफ साइन 30 रेशियो स्केयर ऑफ साइन 45 रेशियो 180 को 3 से डिवाइड करें स्केयर ऑफ साइन 60 रेशियो 180 को 2 से स्केयर ऑफ साइन 90। और क्या हो गया, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 इक्वल होता है 1 बाय 2 के स्केयर ऑफ 1 बाय 2 रेशियो साइन 45 1 बाय स्केयर रूट 2 स्केयर ऑफ 1 बाय स्केयर रूट 2 साइन 60 स्केयर रूट 3 बाय 2 स्केयर ऑफ स्केयर रूट 3 बाय 2 साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 स्केयर ऑफ 1, 1 का स्केयर 1 2 का स्केयर 4 रेशियो 1 का स्केयर 1 स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 2 रेशियो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 3 बाय 2 का स्केयर 4 रेशियो क्या आ गया 1। अब हम लोगों ने लेकर क्या आना है 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। अब क्या अगर यहाँ पे अमाउंट 1 बाय 4 रेशियो 1 बाय 2 रेशियो 3 बाय 4 रेशियो 1। अब डिनोमिनेटर खत्म करना है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो इसको 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4 रेशियो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 रेशियो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 रेशियो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 से कैंसिल 2 1 2 2 2 4 4 4 से कैंसिल 4 1 ना 4 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 राइट हैंड साइड। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हाँ वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।